हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड 24/7। आज हम देखेंगे जीएबी के सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का मॉड्यूल बी का यूनिट 12, बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट इक्वेशन बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है। इसके अंदर हमको सिर्फ दो चीजें देखनी है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब मैंने लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ठीक है। ये ही इसका पूरे सब चैप्टर का मतलब है कि एसेट्स है जो वो लाइबिलिटीज के इक्वल होती है हमेशा। जैसे कि अब एसेट्स क्या होती हैं, जो बिल्कुल जिस बीकॉम एमकॉम या मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाऊं। जैसे कि एसेट्स क्या हिंदी में बोलते हैं, संपत्ति, संपत्ति, संपत्तियां, और लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं, दायित्व, दायित्व। थोड़ा राइटिंग में मत जाना मेरे, दायित्व, ठीक है। अब एसेट्स, एसेट्स क्या होती हैं, जैसे कि वो चीजें, वो सभी आइटम्स जिससे किसी भी व्यापार को या किसी भी व्यवसाय को मतलब पैसा जनरेट होता हो, जिससे उसको फायदा होता हो, ठीक है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी से कैसे फायदा होता होगा, जैसे प्लांट है, अब आप कुछ प्लांट लगा रहे हो तो प्लांट पे कुछ काम करोगे, ठीक है, तो उससे कुछ रिटर्न आएगी, तो वो क्या है, उस बिजनेस की एसेट्स है, ठीक है। जैसे कि स्टॉक्स, स्टॉक है उसकी एसेट्स है, ठीक है। मतलब जिस चीज से एक व्यापार को मतलब पैसा बनता हो जिससे, ठीक है, वो हो गई एसेट्स। और लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है दायित्व, मतलब उस व्यापार ने, उस व्यवसाय ने जिस जिसको पैसा देना है, मतलब उस व्यवसाय पर क्या लाइबिलिटीज हैं, तो वो हो गए उसके दायित्व। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लेनदार, जो उस व्यापार से लेनदार हैं, जिससे हम क्रेडिट पे माल खरीदते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए। और क्या है लाइबिलिटीज, कैपिटल, कोई ओनर है जो कैपिटल लगा के व्यापार शुरू करता है, तो उस व्यापार के लिए तो वो क्या हुई, कैपिटल। अब ये कैपिटल, अब आप लोग सोचोगे कि ओनर तो मैं ही हूं और मैं ही, मेरे व्यापार में मेरी ही कैपिटल को लाइबिलिटीज मान रहा हूं, हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमको बोलता है कि एक व्यापारी और एक व्यवसाय, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब ये मानो कि एक पर्सन और उसका व्यवसाय, ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है। इसको हम बिजनेस, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से एंट्रीज करते हैं, ठीक है, ना कि किसी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बेसिक सी बात यह है, हाँ, तो बेसिक सी बात यह है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होंगी। अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, देखो, इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी एन एसेट इज क्रिएटेड बाय टेकिंग ए लाइबिलिटी फॉर इक्वल अमाउंट, देयरफॉर द एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटीज। अब ये बोल रहा है कि जब भी एसेट्स बनती है तो उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी बनती है। कैसे, जैसे कि हमने आज एक मशीनरी खरीदी व्यापार के अंदर, ठीक है, अब मशीनरी खरीदी हमने मान लो क्रेडिट पे, क्रेडिट पे मशीनरी खरीदी, तो हमारी लाइबिलिटी क्या बनी कि हमने मशीन खरीदी। अब एसेट्स के अंदर हम मशीन भी तो दिखाएंगे, लेकिन लाइबिलिटी क्या बनी, लाइबिलिटी बनी हमारी क्रेडिटर्स। अब मशीन के जो पैसे हमको देने थे वो उसके रूप में क्रेडिटर हमारे बन गए। मान लो 50,000 की मशीनरी खरीदी, तो 50,000 हमको फ्यूचर में जाके उसको पे भी करना है, तो 50,000 के हमारे क्रेडिटर बन गए, ठीक है। द लाइबिलिटीज कंसिस्ट द क्लेम ऑफ ओनर एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर। अब ये क्या बोल रहे हैं, लाइबिलिटी जो होती है वो उसके अंदर दो चीजें रहेंगी, एक तो क्लेम ऑफ ओनर, क्लेम ऑफ ओनर। अब ओनर का क्लेम क्या है बिजनेस से, जो वो कैपिटल लगाता है वो, प्लस प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं जिसको, इसके अंदर ही प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो क्लेम ऑफ ओनर एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर। अब क्लेम ऑफ आउटसाइडर क्यों बोल रहे हैं उसको, क्लेम ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर क्लेम ऐसे बोलते हैं जो बिजनेस का ओनर नहीं है लेकिन उसने बिजनेस को पैसा दे रखा है, ठीक है। जैसे उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर उसने अपने को क्रेडिट पे माल दिया हुआ है, या किसी भी तरह से वो बिजनेस से कुछ ना कुछ पैसा क्लेम करता है, तो उसको बोलते हैं क्लेम ऑफ आउटसाइडर। क्लेम ऑफ ओनर
प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आगे चल के आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। द क्लेम ऑफ ओनर्स मीन्स टू पेड अप कैपिटल, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि कैपिटल लेके आता है वो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, प्लस बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इसी के अंदर जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा होता है। द सम ऑफ कैपिटल एंड द बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑफ सरप्लस इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्थ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नेटवर्थ किसको बोलते हैं, देखो यही मैं आपको बता देता हूं। द सम ऑफ कैपिटल एंड द सम ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, अब किसी ओनर किसी बिजनेस की नेटवर्थ कैसे निकलेगी, बिजनेस नेटवर्थ इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस प्लस पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ठीक है, ये होती है बिजनेस की नेटवर्थ। कैसे, जैसे कि पेड अप कैपिटल उस बिजनेस में उसकी कितना कैपिटल है, मतलब उस बिजनेस की आज के दिन वैल्यू क्या है, वैल्यू मार्केट वैल्यू प्लस जो उसके अंदर प्रॉफिट एंड सरप्लस से पड़ा है, ठीक है, तो वो होती है उसकी नेटवर्थ, ठीक है। अभी मैं आपको एक बैलेंस शीट का रफ स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यहाँ लिखते हैं एसेट्स, ठीक है, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट। अब क्या होता है, देखो बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक होती है कैपिटल, पेड अप कैपिटल बोलते हैं जिसके, पेड अप कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये आगे चल के आपको पूरा इसका पूरा डेफिनेशन के साथ भी बताऊंगा, लेकिन अभी रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तीसरा आता है करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, जो एक साल के अंदर हमारी चेंज होती रहती है, खत्म होती रहती है या बढ़ती रहती है, वो होते हैं करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। चौथा क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे लॉन्ग टर्म लोन कुछ हो तो, ठीक है। अब इसका टोटल, इसके टोटल से तो बराबर हो गई, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एसेट्स में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लैंड एंड लैंड प्लांट एंड मशीनरी टाइप, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नॉन फिक्स्ड एसेट्स, नॉन फिक्स्ड एसेट्स जिसमें हम रखते हैं कैश, स्टॉक, क्योंकि ये साल में हर बार चेंज होता रहेगा, ठीक है, नॉन फिक्स्ड एसेट्स आ गई। और क्या आएगा, डेटर्स आ गए, अपने देनदार हैं जो बिजनेस के, वो हो गया। तो इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा बराबर होगा। अब उसने बोला था कि नेटवर्थ किसको बोलते हैं, नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या बोला था कि पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस उसको हम बोल देंगे नेटवर्थ। ये बिजनेस की होगी नेटवर्थ, फॉर ए बिजनेस एंटिटी नेटवर्थ इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। जो नेटवर्थ होती है बिजनेस की, वो लाइबिलिटी है उसकी, बिजनेस की लाइबिलिटी है ओनर के टुवर्ड्स, मतलब ओनर की क्लेम है ये उसके बिजनेस से। इन अदर वर्ड्स इट इज द क्लेम ऑफ द ओनर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं। एज पर वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी द बिजनेस एट्स इज ओनर आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट एंटिटीज। यही बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है, वो दोनों अलग 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 एंटिटी कंसिडर की जाएगी। हम जो करेंगे ट्रांजेक्शन, वो सभी बिजनेस के परस्पेक्टिव से करेंगे, नॉट फॉर बिजनेस ओनर। ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस, नॉट इट्स ओनर, ठीक है। अब देखते हैं वो जो मैं आगे अभी फॉर्मूला आपको बताया, वही बात है। द टोटल क्लेम्स दोज ऑफ आउटसाइडर सच एज क्रेडिटर ऑफ द ओनर इज नेटवर्थ, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि नेटवर्थ क्या है, जो भी यहाँ बताया कि ये जो लाइबिलिटीज है वो किसकी लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, ठीक है। अब हमको बिजनेस की लाइबिलिटी क्या है, मतलब क्यों है ये, क्योंकि कैपिटल है। अब मान लो मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया, मान लो मिस्टर ए की बिजनेस की बैलेंस शीट है, तो एक क्या है ये कैपिटल, मान लो उसने 5 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, 5,000। अब ये और उसका रिजर्व सरप्लस, मतलब उसने कुछ सरप्लस में पैसा रखा हुआ है या रिजर्व उसने 1 करोड़ के छोड़े हुए हैं और प्लस प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर 2 करोड़, तो ये जो 8 करोड़ रुपए है ना, सॉरी
ये जो 8 करोड़ रुपए है ना, ये उसकी क्या होगी, नेटवर्थ होगी, और ये बिजनेस को उसको लौटानी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस होता, मान लो उसकी 5 करोड़ कैपिटल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉस 8 करोड़ गया, तो उसका 3 करोड़ का लॉस है, तो 3 करोड़ का लॉस भी मिस्टर ए को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात करी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्लेम ऑफ ओनर। ठीक है, अब क्लेम ऑफ क्रेडिटर और क्लेम ऑफ ओनर को टोटल करके लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, लाइबिलिटीज, क्यों, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज हमको पता है, और क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स जितना भी क्रेडिटर हमसे मांगते हैं और जो ओनर हमसे मांगता है, ये टोटल क्या होता है, एसेट्स का ही टोटल हुआ ना। ठीक है, और दूसरे रूप में देखो, एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल किसको बोलते हैं, ओनर्स के क्लेम को। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज कैसे निकाल सकते हैं, अब कभी किसी बिजनेस में आउटसाइड लाइबिलिटीज निकालना हो तो क्या करेंगे, एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आगे चल के आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, ये थोड़ा हैंडराइटिंग मेरी ऐसी है, देखो ये बोल रहा है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, ये लिखा हुआ, एसेट्स माइनस कैपिटल। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होगी, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज होगी। ठीक है, अब इसके अंदर से ये आउटसाइड लाइबिलिटी एसेट्स माइनस कैपिटल, इसके अंदर से हम जैसे एसेट्स का टोटल मान लो आता 5 CR। ठीक है, अब यहाँ अपना टोटल आ गया 5 CR। ठीक है, अब 5 CR में से अगर हमको आउटसाइड लाइबिलिटीज निकालनी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एसेट्स में से ओनर का जो भी कैपिटल है उसको माइनस कर दें तो क्या आएगा, आउटसाइड लाइबिलिटी आ जाएगी। आउटसाइड लाइबिलिटी क्या आएगी, करंट एस जो हमारे क्रेडिटर्स टाइप होंगे वो आएंगे। ठीक है, या लोन कोई होगा वो आएगा, तो उसको ये उसी लैंग्वेज में, मतलब ये लैंग्वेज को घुमा के ऐसा बोल रहा है। अब क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर से अगर यहां से अंदर से हमें ये जो कैपिटल है, अब ये कैपिटल मेरे को निकालनी हो तो कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब ये टोटल एसेट्स आ गई, ये टोटल एसेट्स आ गई 5 करोड़ मान लो, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज करते हैं। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज हम समझ गए हैं कि क्या हो सकता है, ये इतना इतना पोर्शन आउटसाइड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसमें से अगर ये टोटल में से मान लो इन दोनों का टोटल कितना है, 3 करोड़। ठीक है, तो 5 करोड़ में से 3 करोड़ गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 करोड़। अब 2 करोड़ क्या है, कैपिटल है। अब इससे हम पता लग सकते ना कि कैपिटल 2 करोड़ ओनर लेके आया, ओनर की जो ओनर की लाइबिलिटी, ओनर को बिजनेस ने देना है वो कितना है, 2 करोड़ रुपए, मतलब पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब देखो, इफ देयर इज एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज द ओनर क्लेम एंड द कैपिटल इज बाउंड टू चेंज कोरिस्पोंडेंटली। अब ये बोल रहा है कि अगर ये पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, एसेट्स लाइबिलिटी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, अब हमको पता है कि टोटल तो बराबर ही रहेगा, टोटल बराबर रहेगा तो कोरिस्पोंडिंगली चेंजेस आएंगे दोनों के अंदर। ठीक है, अब वो देखते हैं वो कैसे आएंगे, इफ एसेट्स इंक्रीज एंड लाइबिलिटी डू नॉट द कैपिटल विल इंक्रीज, ए रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी विल मीन द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये अब आपको लैंग्वेज से अच्छा है कि मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बता देता हूँ इस बारे में। देखो ये क्या है, बिजनेस ओन्स, अब एसेट्स हमको पता है कि ये बिजनेस ओन करता है, और ये क्या है, बिजनेस ओन्स। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, और ये इक्विटी क्या होता है, ओनर की कैपिटल। देखो बिजनेस ओनर्स, ठीक है, अब इसके अंदर इन्वेस्टर भी हो सकता है कोई, इसके अंदर ये रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जो बिजनेस ओन करता है। अब हम क्या बोल रहे थे शुरू में, एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस ओनर लाइबिलिटी, सॉरी ओनर लाइबिलिटी, ओनर लाइबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव हुआ, देखिए एसेट्स टोटल पूरा एसेट्स ये बराबर होगा किसके, लाइबिलिटी, ये होगी आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे हमारे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स
ठीक है, बिल्स पेबल्स ये सब इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद इक्विटी, ओनर्स लाइबिलिटी क्या होगा, इक्विटी, उसको इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है ना कि एसेट्स इज इक्वल टू ऑलवेज लाइबिलिटी, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये सब चीजें एसेट्स के अंदर आती हैं, फिक्स एसेट्स, बिल डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट गिवन, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंटरी, लैंड, बिल्डिंग, ये आप आगे चल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और थोड़ा समझ आएगा। देखो लाइबिलिटीज में देखो, ये ओन्ड बाय बिजनेस, लोन, ट्रेड क्रेडिट लोन, अनपेड एक्सपेंसिस, अदर आइटम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। और ये इक्विटी में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ये रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके मतलब बराबर होगा। अब ये इस एग्जांपल में देखें तो नेटवर्थ कैसे निकाल पाएंगे, नेटवर्थ, नेटवर्थ बराबर एसेट्स माइनस ये वाली लाइबिलिटीज। अब ये लाइबिलिटीज किस क्या बोलते हैं इसको, आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो ये जो पोर्शन होता है ना, मतलब ये टोटल को हम बोलते हैं नेटवर्थ। सीधा मोटा मोटा बात यह है कि ये जो पोर्शन है, मतलब उसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को हम बोलते हैं नेटवर्थ, ठीक है। अभी देखो ये लिखा भी हुआ है नेटवर्थ, नेटवर्थ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और एसेट्स, एसेट्स बराबर क्या आते हैं, अब कभी एसेट्स निकालना तो कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अंदर मतलब उसको पूरा ही लिखते हैं कि ये सब हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से निकाल देंगे। अब पूछ ले कि एसेट्स कितना होता है, तो ये एसेट्स कितना है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस क्रेडिटर्स। तो ये कैपिटल, सॉरी कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जितना भी मैंने अभी तक बोला वो सब आपको इस एग्जाम्पल के साथ सब समझ आ जाएगा, ठीक है। चाहे बिल्कुल बेसिक से आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब हमको ये बताया कि एसेट्स और यहाँ होता है लाइबिलिटीज, ठीक है। और यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, उसको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट। अब राम स्टार्ट ए बिजनेस विद 20,000 एज कैपिटल, ठीक। अब राम कौन है, राम अलग है और उसका बिजनेस अलग है, ये बात हमने पहले ही समझी कि पर्सन अलग रहेगा और उसका बिजनेस है, वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, ठीक है। अब राम ने जब बिजनेस शुरू किया तो उसने 20,000 रुपये कैपिटल में लगाए, ठीक है। सॉरी यहाँ लाइबिलिटी लो, थोड़ा आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, यहाँ एसेट्स, यहाँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एसेट्स। अब 20,000 उसने बिजनेस के अंदर लगाए, तो बिजनेस के अंदर क्या आया, एंट्री करेंगे कैपिटल आ गई 20,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया कैश 20,000 रुपये। अब हुआ क्या जी, 20,000 इज इक्वल टू 20,000, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी हुआ, ओके। अब इसी एग्जांपल को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम ने 20,000 लगाया तो कैपिटल 20,000 आ गई और कैश 20,000 आ गई। अब इसी के आगे देखते हैं हम कि उसने अभी एक मशीनरी खरीद ली 1,000 रुपये की कैश के अंदर, ठीक है। अब पहले क्या करके आया था अपने, देखो यहाँ है लाइबिलिटीज, यहाँ है एसेट्स। अभी पहले अपने पास क्या था कि यहाँ इसके पास कैपिटल थी 20,000 की, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी रही, 20,000, क्योंकि कैपिटल में चेंज नहीं है, उसने 20,000, ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के अंदर उसने 20,000 से ज़्यादा रुपए बढ़ा दिए, तो रुपया तो उसके पास कितना रहा, 20,000। लेकिन उसने क्या किया, 1,000 रुपये की जो उसके पास 20,000 की कैश थी बिजनेस के अंदर, उसने 1,000 रुपये की मशीनरी खरीद ली, ठीक है। अब इसमें कैश कितना रह गया, 20,000 टोटल थे, उसमें से 1,000 माइनस हो गया, तो यहाँ रहेगा 19,000। अब मशीनरी क्या है, मशीनरी क्या बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्योंकि मशीनरी से हम काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे और, ठीक है। तो मशीनरी लिख देंगे यहाँ पे, मशीनरी 1,000 और कैपिटल, सॉरी, और कैपिटल कितना था हमारे पास, अरे सॉरी यार सब मिट गया, दोबारा बनाते हैं, लाइबिलिटीज एसेट्स, ठीक है। यहां पे अभी हमारे पास क्या कैपिटल थी 20,000 और कैश कितना रह गया था, 20,000 माइनस 1,000 19,000, और 1,000 रुपये की हमारे पास क्या आ गई, मशीनरी, मशीनरी टोटल कितना होगा 20,000 और ये 20,000, ठीक है। तो यहाँ तक अभी कोई कोई डाउट नहीं होना चाहिए
एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल बराबर हुआ, ठीक है। अब इसके आगे एक और स्टेप देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि उसने गुड्स खरीद लिए 2000 रुपए के कैश के अंदर, ठीक है। अब गुड्स भी क्या है, स्टॉक्स, और गुड्स क्या होते हैं हमारे लिए, एसेट्स। एसेट्स मतलब ये समझ लो कि इसको हमको किसी को पे नहीं करना, बिजनेस को ये किसी को देना नहीं है आगे फ्यूचर में चल के, तो वो हमारी एसेट्स, ठीक है। अब गुड्स को बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट ही होगा, मतलब प्रॉफिट में बेचेंगे हम, बिजनेस करते तो प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। अब ये लाइबिलिटीज एसेट्स रुपीज रुपीज। अब हमारे पास क्या है, पीछे कैपिटल कितनी थी, 20,000 रुपए की कैपिटल थी, ठीक है। और अभी हाँ कैपिटल थी 20,000 रुपए की। उसके बाद हमने क्या किया था, मशीनरी ली थी 1,000 रुपए की, और कैश हमारे पास कितना था, 19,000 रुपए का। लेकिन 19,000 के कैश में से इसने 2,000 रुपए के गुड्स खरीद लिए, 2,000 गुड्स खरीद लिए, तो उसके पास कितने रह गए, 17,000, ठीक है। और उसके बाद उसने लिया क्या, गुड्स, गुड्स इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं कि हमने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। तो कितने का स्टॉक लिया, 2,000 रुपए का। अब 17 और 2 19 और 1 20,000, तो 20,000 = 20,000, तो इधर भी हमारा क्या हुआ, लाइबिलिटीज प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, तो यहाँ भी क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, द बिजनेस परचेज गुड्स और 5,000 रुपए क्रेडिट। अब उसने क्रेडिट में खरीद लिया, क्या खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया। अब उसने कैश नहीं यूज करी, उसने उधार ले लिया। अब इसकी देखो कैसे एंट्री होगी बैलेंस शीट के अंदर, ये लाइबिलिटीज ये एसेट्स। अभी देखो हमारे पास क्या थी, कैपिटल थी, कितनी थी, 20,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, मशीनरी थी 1,000 रुपए की। दूसरा क्या था, स्टॉक था, स्टॉक कितने का था, 2,000 रुपए का। तीसरा क्या था, कैश था, कैश कितने की थी, 17,000 रुपए की, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन सेम लिख रहा हूँ। अब उसने क्या किया, गुड्स खरीद लिए, गुड्स खरीद लिए 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए गुड्स खरीद लिए तो कहाँ पे आएंगे, स्टॉक के अंदर जुड़ जाएंगे। तो 2 का तो पहले था ही, प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये 7,000 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे टोटल, 25,000, 5,000 खरीदे ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ टोटल तो 25,000 ही आएगा, लेकिन इधर कितना है, 20,000। तो अब हमको पता है इसने क्या खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। तो जब इसने क्रेडिट पे खरीदा तो जिससे भी खरीदा वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, वो हमारा हो गया लेनदार, क्योंकि हमको फ्यूचर में चल के उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। तो 5,000 रुपए के हमारे बिजनेस के अंदर क्रेडिटर आ गए, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 25,000 = 25,000, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹3,000। अब वो बोल रहा है कि बिजनेस ने 5,000 रुपए के गुड्स बेचे, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3,000 रुपए थी, ठीक है। तो अब आप इसे देखते हैं, लायबिलिटीज एसेट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, कैपिटल था 20,000 रुपए का, मशीनरी थी 1,000 रुपए की, स्टॉक्स थे 7,000 रुपए के, और क्या था भाई, कैश थी 17,000 रुपए की, ठीक है, यही सब तो था, हाँ, और क्रेडिटर्स थे 5,000 रुपए के, ठीक है, 25,000 रुपया। अब इसने क्या बोला कि गुड्स खरीद लिए इसने 5,000 रुपए के, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 3,000, सॉरी गुड्स बेच दिए 5,000 रुपए। अब गुड्स बेच दिए 5,000 के, तो यहाँ पे अपने को था स्टॉक, या गुड्स बोल लो, स्टॉक 5,000 माइनस करेंगे तो स्टॉक कितना माइनस हो जाएगा, 5,000 के तो 2,000 रह जाएगा, ठीक है। और जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3,000 रुपये, ठीक है। तो वैल्यू उसकी 3,000 रुपये थी, और बेचे उसने क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे बेचे तो उसके डेटर बन जाएंगे ना, मतलब उसने उधार पर बेचा 5,000 का माल, तो उसके देनदार कितने हो जाएंगे, 5,000। लेकिन उसका स्टॉक कितना कम होगा, 3,000 से स्टॉक कम होगा, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे स्टॉक 7,000 था, यहाँ पे स्टॉक 7,000 था, तो यहाँ पे 7,000 नहीं आएगा,
एक सेकंड ना, हाँ 7,000 का था, तो 7,000 में से 3,000 गए तो 4,000 रुपये, यहाँ 4,000 रुपये लिख देंगे, तो कितना आएगा 4 × 5 = 10 और 27,000। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमको पता कि 25,000 ही आ रहा है, तो यहाँ पे आना तो 27,000 चाहिए, ठीक है, लेकिन अपनों को पता 20 और 5 कितना 25, 2,000 रुपये का क्या डिफरेंस आएगा, ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, जिसके अंदर हम सब एड में लिख सकते हैं प्रॉफिट। तो ये हमको पता कि हमने क्या किया, 5,000 रुपये का माल बेचा जो कि था 3,000 रुपये का, ठीक है, तो स्टॉक में कितना कम होगा 3,000 रुपये, क्योंकि स्टॉक हमारा अमाउंट मतलब उसकी वैल्यू तो 3,000 ही थी ना, तो 4,000 में से या 7 के में से हमने 3 के माइनस किया तो 4,000, और हमारे डेटर कितने बन गए 5,000, क्योंकि उससे तो पैसा तो हम 5,000 लेंगे, तो हमारे देनदार हो गया बिजनेस का 5,000 रुपये। और यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे हमारे 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हमने कमाए वो आगे रिजर्व एंड सरप्लस जो कि प्रॉफिट के अंदर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम समझ गए कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होगा ही होगा। नेक्स्ट, नाउ बिजनेस पे 500 रुपीज फॉर रेंट एंड 500 रुपीज फॉर सैलरीज, ठीक है, अब इसने ये नहीं बता रखा कि हम बिजनेस के अंदर जो पे कर रहे हैं 5,000 रुपये और 5,000, 500 और 500, वो क्रेडिट पे कर रहे हैं या कैश पे कर रहे हैं, तो हम यही मान के चलेंगे कि हम कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने अगर 500 500 पे किया, ठीक है, तो ये देखो दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है, लायबिलिटीज एसेट्स यहाँ था कैपिटल 20,000, ठीक है, मशीनरी 1,000, स्टॉक 4,000 एंड कैश 17,000, डेटर 5,000 एंड हियर क्रेडिटर्स 5,000 एंड 2,000 हमारा क्या है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब इसका टोटल तो बराबर आ गया 27,000 और 27,000, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि बिजनेस ने 500 रुपये तो दिया रेंट का और 500 रुपये दिया सैलरी का, तो अब हम इसको कैसे कम करेंगे जी, अब हमने 1,000 रुपये टोटल निकाल दिया, तो 1,000 रुपये कम हुआ, तो यहाँ से हम 17K में से 1K माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 16K, और जो यहाँ पे 2,000 रुपये थे हमारे पास जो प्रॉफिट में था, तो उसमें से हमारे 1,000 हमने पे कर दिया, तो 1,000 हमने माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ गया 1,000, ठीक है, तो ये इसका टोटल करेंगे तो 26,000 इज इक्वल टू 26,000, क्योंकि ये हमारा रिकरिंग खर्च, ये हमारा रिकरिंग एक्सपेंडिचर था, ठीक है, तो वो हमारे प्रॉफिट से ही माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 1,000 रुपये यहाँ माइनस कर देंगे। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ जो मैंने एक्सपेंडिचर था, ये चीजें आपको आगे चलते चलते जब हम करते रहेंगे तब आगे चल के आपको समझ आएगी, ठीक है। अभी मोटा मोटा ये समझ लो कि ये जो 1,000 रुपये हैं ये रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ देखेंगे इसके एमसीक्यू कि पेपर का, अब इतना कुछ कर तो लिया लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा बनता है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे मेरी तरह ऐसे कोई बैलेंस शीट बना के नहीं देगा, ये आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा था कि ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स, अब अगर कोई बिजनेस के अंदर देखो यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीन ये छोटे से बैलेंस शीट बना लेंगे थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब देखो अगर वो बंदा प्लांट एंड मशीनरी खरीद ले तो, अरे सॉरी ये उल्टा लिख दिया, लाइबिलिटीज और एसेट्स, ठीक है। अब अगर प्लांट एंड मशीनरी यहाँ डाल देंगे, मान लो 1,000 रुपये खरीदी, ठीक है, अब होगा कैसे, ये तो खरीद ली, अब इससे इफेक्ट कौन सी जगह आएगा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, अब कैसे खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, तो क्रेडिटर भी यहाँ बढ़ जाएंगे, अब जितनी अमाउंट में खरीदी मान लो 1,000 में खरीदी तो क्रेडिटर भी 1,000 हो गए, तो उससे क्या होगा कि चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि टोटल एसेट्स को नहीं छेड़ेंगे, टोटल लाइबिलिटीज से फर्क नहीं पड़ेगा, बट लाइबिलिटीज बट टोटल लाइबिलिटीज रिमेन सेम, ये बोल रहा है कि लाइबिलिटी में फर्क पड़ेगा लेकिन टोटल में सेम रहेगा, नहीं, हम दोनों में फर्क पड़ेगा, चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। प्रैक्टिकल थोड़ा देखो, ऐसे रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का, हम ये पूरा बैलेंस शीट बना के देख ही लेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी अगर क्रेडिट पर खरीदते हैं तो क्या होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,000 की खरीदी तो 1,000 एसेट्स में बढ़ जाएगा और 1,000 लाइबिलिटी में बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर बन गया अपने, ठीक है। अगर यही चीज हम कैश पे खरीदते, अगर ये यहाँ पे क्रेडिट वर्ड हटा के यहाँ लिखा होता कैश, तो क्या होता, तो हमारे पास देखो ये बैलेंस शीट होती एसेट्स लाइबिलिटी। देखो अब अगर हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदते 1,000 की कैश के अंदर, ठीक है, तो मान लो कैश हमारी एक्स वाई जेड मान लो कि 2,000 रुपये होती पहले, ठीक है, अब 2,000 में से 1,000 माइनस कर दे तो 1,000 आ जाता, ठीक है, तो होता क्या जी, बेसिकली होता क्या कि
हमारे हमने एसेट साइड में चेंजेस आए लेकिन टोटल एसेट्स हमारी वही सेम रहेगी, ठीक है। अगर कैश में लिखा होता तो हमारा आंसर ये होता कि ओनली एसेट्स चेंज इन एसेट्स बट टोटल एसेट्स रिमेन द सेम, ठीक है। तो अब हम ये ऑप्शन लगाते हैं, इन चारों में वो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैश में होता तो हम ये करते और अगर क्रेडिट पे खरीदें तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन, ठीक है। अब लोन क्या होता है जी, लोन होती है हमारी लायबिलिटी, ठीक है। अगर हम लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या चेंजेस आएंगे, मान लो यहाँ लोन हमारा, ये लोन कितना था 10,000 रुपये का, अब हमने 10,000 का लोन पे कर दिया, कैसे पे करेंगे जी, कैश के अंदर पे करेंगे, मान लो हमारे पास कैश थी 20,000 रुपये, ठीक है। अब हमने लोन कम कर दिया, लोन पूरा पेमेंट कर दिया 10,000 के 10,000, तो मान लो 10,000 पूरा उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ से 10,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 10,000 रह जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो अभी हुआ क्या जी, चेंजेज इन बोथ साइड आएगा, बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंजेज आएंगे, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये बोल रहा है कि क्रेडिट पे आपने गुड्स बेच दिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, जैसे कि ये लायबिलिटी ये एसेट्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसने गुड्स बेचे, गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक था उसके मान लो 5,000 रुपये का, ठीक है। अब उसने ये बेच दिया, बेच दिया मतलब मानो कि चलो 5,000 का 5,000 नहीं, चलो 3,000 का बेच दिया, ठीक है। 5,000 माइनस 3,000, तो यहाँ पे कितना चेंजेस आया, 2, तो मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में चेंज हुआ। अब उसने बेचा कितने में, बेचा किस पे, क्रेडिट पे। अब उसने क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट पे बेचने का मतलब है कि उसके अब उसको पैसा लेना है, देना नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसकी एसेट्स बनेगी, तो वो क्या बनेगा, डेटर। डेटर कितने का बनेगा, 3,000, क्योंकि 3,000 का उसने माल बेचा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एसेट साइड में तो चेंजेस आए लेकिन लायबिलिटी साइड में चेंजेस नहीं आए, तो क्या बोलेंगे, चेंज इन ओनली टोटल एसेट्स ओनली, चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, ठीक है। अब अगर ये कैश पे बेचता, अगर ये कैश पे बेचता तो हम क्या बोलते कि कैश तो डेटर की जगह क्या आ जाता, कैश, क्यों कैश आ गया, तो उसका लायबिलिटी से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक 2,000 3,000 माइनस हो जाता, तो स्टॉक बन गया 2,000 रुपये का और कैश आ जाता 3,000 रुपये का, तो भी हमारा आंसर यही होता कि चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ लोन इंटू इक्विटी रिजल्ट चेंज, ये देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। अब हम इक्विटी क्या होता है, जो हम बोल रहे थे कि पेड ऑफ कैपिटल, ठीक है। देखो लायबिलिटीज एसेट्स, अब हम पहले जब शुरू शुरू में आगे देखा था उन्होंने, यहां लिखते थे हम कैपिटल, यहां लिखते थे रिजर्व एंड सरप्लस, यहां था लोन, ठीक है, ये सब, और इधर अपनी जो भी एसेट्स एक्स वाई जेड जो भी लिखते थे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि लोन, मान लो कि किसी कंपनी ने एक्स वाई जेड बंदे से लोन लिया था, ठीक है। अब वो बोला कि मेरा 1 करोड़ का जो लोन है उसके बदले मेरे को आपकी कंपनी के शेयर्स दे दो, ठीक है, शेयर्स मतलब इक्विटी, उस कंपनी में हिस्सेदारी दे दो, मतलब मेरे को मालिकाना हक दे दो उस कंपनी का, ओनर बना दो, ठीक है। तब जी वो बोलेगा कि ठीक है, आप हमारा लोन स्क्वेयर ऑफ कर दो पूरा, और आप 1 करोड़ के बदले हमारे जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उसी हिसाब से इतने शेयर आप ले लो। अब इससे क्या होगा जी, जो उसका लोन है ये लोन ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी पेड ऑफ कैपिटल में क्या होगा, पेड ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जिसको लोन देना था मान लो 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ पैसा इसको कैपिटल में मिल गया, तो 1 करोड़ बिजनेस के अंदर बढ़ गया। अब इसे हुआ क्या, चेंजेस इन लायबिलिटी बट टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहा है लेकिन एसेट्स का तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन लायबिलिटीज में क्या हुआ जी, लोन उसका 1 करोड़ का था वो खत्म हो गया और उसकी कैपिटल में 1 करोड़ रुपए ऐड हो गया, ठीक है। अब ऐड होने का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर बिजनेस की तो लायबिलिटी रही ना, बिजनेस की लायबिलिटी की टुवर्ड्स क्या है, ओनर, उस पर्टिकुलर पर्सन को वो उसकी लायबिलिटी रही, ठीक है। तो ये हुआ, अब आप मतलब सोचोगे कि उसको तो अच्छा हुआ उसका लोन खत्म हो गया, लेकिन लोन खत्म हो गया लेकिन जो उस बिजनेस की इक्विटी थी, जो उसकी कैपिटल थी, वो भी तो उसको देनी पड़ी ना, तो उसका लायबिलिटी में चेंजेस होंगे लेकिन एसेट्स वैसे का ही वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो हमने ये आज पूरा चैप्टर कर लिया, ठीक है, बैलेंस शीट इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर यही था कि एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज के बराबर होती है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अब आगे तक चल के देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब ये देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करने से पहले क्या क्या ध्यान रखा जाता है, वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे। चलो आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।